पिछले दो साल से हम इस मंदिर में हम पुजारी हैं और मेरा वो है कि यहाँ भी जितने भी भक्तगण हैं उसका संकट दूर हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहना चाहेंगे अब ये तो बहुत बड़ा शहर के लिए, क्या क्या देश के लिए, ये राम जन्म भूमि में हमारे राम मंदिर का निर्माण होने के बाद ये सबसे बड़ा उत्साह का माहौल है। और इस पर आप देख ही रहे होंगे, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह आप जा रहे हैं कि शहर में कहाँ कहाँ किस तरह से, हमको लगता है कि पहले से ज़्यादा उत्साहित है लोग और बहुत ज़्यादा ही उत्साह से कर रहे हैं। और यहाँ से भव्य अखाड़ा भी निकलेगा और अगले साल आप लोग आइएगा, सिल्वर जुबली जब बनेगा तो आप लोगों देखने के लिए यहाँ पर एक, मतलब हमको लगता है कि शहर में सबसे बढ़िया यहाँ मिलेगा। श्री श्री बाबा बागेश्वरनाथ मंदिर अखाड़ा टिम्पलेट सीरीज रोड, मैं डब्ल्यू संतोष अध्यक्ष टिम्पलेट अखाड़ा श्री श्री बाबा बागेश्वरनाथ मंदिर अखाड़ा की समिति का सभी सदस्य हमारे अखाड़ा निकल रहे हैं ये आपका होगी अब 2000 से निकल रही है। अगले साल हम लोग 25वां साल मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अतिथि कौन आया अभी हमारे यहाँ बीच में? उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी हमारे बीच आकर पूजा पाठ करके हमारा झंडा को आगे की ओर, मतलब प्रस्थान के लिए आगे ये किया गया। आप लोग का झंडा इस बार कहाँ कहाँ घूमता है, किसके नाम से लाइसेंस है? लाइसेंस मनोज कुमार झा के नाम से है। और कहाँ कहाँ घूमता है आप लोग का झंडा? पूरा टिम्पलेट L4 टिम्पलेट L4 और पूरा सीरीज रोड और ऐसा होते हुए आदि टाटा होते हुए आदि गोलमुरी वाली टाटा होते हुए आपका मानगो घाट जाते हैं। झंडा का हमारे बच्चे जो है हमारे जितने हैं इसमें आकर्षण का केंद्र है, जो कि अपने लाठी और ये सब का ये करते हुए अपना जोश का दिखाते हुए कार्यक्रम को करते हुए भोग खिलाते हैं। भोग करीब हम लोग 5000 आदमी से ज्यादा लड्डू वगैरह यहाँ बंटवाया। शांति और सद्भावना से मनाए और पर्व जो है हिंदू का पर्व है, सब मिलके एक साथ मनाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जमशेदपुर वासियों को अखाड़ा कमेटी की ओर से, हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद देता हूँ। और